हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 आया आपका आईआईटी 20 मई को जो आपका पेपर हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एक फार्मर F1 है, उसका नाम F1 दे दिया, उसके बाद एक लैंड है, और ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 था, पेपर नंबर 1 में से था, क्वेश्चन नंबर 14 और ये आपका पेपर नंबर 1 में से था, और विद वर्टिसेस जो है बच्चों 0.0 Q1.1 एंड R2.0। फ्रॉम दिस लैंड अ नेबरिंग फार्मर, एक फार्मर था बच्चों F2, टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन द साइड PQ एंड ए कर्व ऑफ द फॉर्म, कर्व की जो फॉर्म थी बच्चों y = x^n थी, और n आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेकन अवे बाई अ फार्मर इज एग्जैक्टली 30% ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, द वैल्यू ऑफ n निकालनी थी बच्चों। क्वेश्चन आप लोगों ने बच्चों 9th क्लास के अंदर भी पैलोग्राम अंडर के एरिया क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मिक्सअप किया हुआ लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पॉइंट्स वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो वो हम बना लेते हैं। तो बच्चों एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक्सिस बना लिए, एक पी पॉइंट है हमारा 0.0, तो ये पॉइंट बच्चों 0.0 ले लिया, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक आर है 2.0, तो ये पॉइंट भी 2.0 ले लिया, और इसका नाम क्या बच्चों आर, और एक पॉइंट पी है, और ये लो बच्चों ये पी पॉइंट हमने क्या ले लिया 0.0 और 2.0। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ रही है, ये ट्रायंगल बन चुका है, और ट्रायंगल हमारा जो है ये जो वर्टिसेस हैं 1.1 है, देखने से ये नज़र आ रहा है बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और इसका एरिया वैसे भी आप निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल तो नज़र नहीं आ रहा, तो अब इसको क्या कह रहा है वो, एक नेबरिंग फार्मर है F2 टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन द साइड PQ, मतलब एक साइड ये PQ के बीच में है और उसके बीच में है, तो अब बच्चों कर्व जो है वो y = x^n है, इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व है ऑब्वियस है कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो यहाँ पर x^n जो मर्जी हो 1 पे 1.1 ये यहाँ से पास होने वाला है, और जो उसने रीजन लिया है इस ट्रायंगल का वो 30% ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिया है, देन वैल्यू ऑफ n निकालनी है, तो ये रीजन उसके पास F2 के पास आ चुका है, F2 फार्मर के पास आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आपको 10th वाले तरीके से मालूम है कि इसका जो हाइट है बच्चों वो 1 है और इसका बेस जो है बच्चों 2 है, तो ट्रायंगल PQR का जो एरिया है वो आपके पास आ गया 1/2 × 1, तो ये एरिया आपके पास आ चुका है, ये बेस इसका 2 है हाइट 1 है, तो एरिया बच्चों 1 आ चुका है, ठीक है। अब बच्चों एरिया, अब आप लोगों को एरिया अंडर कर्व आपने किया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपने की हुई है, तो ये आपका टॉप पे है, ये आपका बॉटम पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लिमिट 0 से 1, और एक्स एक्सिस भी हमेशा लिमिट होती है, जो 1.0 ये जो आपकी प्रोजेक्शंस होती हैं 0 to 1 उसी सा वही लेते हैं, और ये जो कर्व है बच्चों आपका ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, और ये जो लाइन है 0.0 ले रहा है और 1.1 ले रहा है, और ये आपको मालूम है ये 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये लाइन y = x होगी, और अगला जो है वो टॉप में ये है और बॉटम में ये है, तो बॉटम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसका जो एरिया है वो हमारे पास 1 के इक्वल दे रखा है, जो एरिया है वो हमारे पास किसके इक्वल दे रखा है बच्चों 30% है, ये 1 आया था और 1 का 30% निकालेंगे तो 30/100, कहने का मतलब ये है कि ये 3/10 के इक्वल दे रखा है, इज इट क्लियर, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन की मैंने x^2, इसकी इंटीग्रेशन की x^(n+1)/(n+1), लिमिट 0 से 1 3/10, तो 0 वाला तो कोई फ़ायदा नहीं, तो 1/2 − 1/(n+1)=3/10 आ गया, तो n+1 − 2/2 × n+1=3/10, तो n − 1/2 × n+1=3/10 है, 2 से यहाँ कैंसिल किया जा सकता है, तो ये आ गया 5n − 5=3n+3, तो ये 2n आ गया है, ये 8 आ गया है, तो n = 4, कहने का मतलब ये है कि ये जो कर्व था वो क्या था बच्चों y = x^4 था, जिससे ये जो एरिया है आपका इतना आएगा। तो क्वेश्चन वेरी इजी है, बहुत सिंपल है और बड़े आराम से किया जा सकता है, ये मिक्सचर ऑफ आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल और आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मिक्सचर है, जिसे आपने देखा बड़े आराम से हो गया, ठीक है, 30% आपको समझ आ गया, तो जी एरिया F2 को मिला। थैंक यू वेरी मच।